आपको वीडियो आज की दिखाने वाला हूँ। आइए मिलते हैं कंपनी के प्रतिनिधि हमारे साथ उपस्थित हैं। नमस्कार भैया जी। नमस्कार। सबसे पहले अपना परिचय कराइए, अपनी कंपनी का परिचय कराइए। सर मेरा नाम अच्युत मिश्रा, मैं एज ए टेरिटरी एग्जीक्यूटिव अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट का काम देखता हूँ जी। कैप्टन ट्रैक्टर्स का जी। कैप्टन जो ट्रैक्टर कंपनी है इसकी शुरुआत जो है 1994 में शुरू हुई है और कंपनी ने पहला ट्रैक्टर जो है 98 में लॉन्च किया। अच्छा। तब से लेके 2023 तक कंपनी 25 साल हो चुके हैं। 30 साल हो चुके लगभग। 30 साल से कंपनी किसानों की जो मिनी ट्रैक्टर की रिक्वायरमेंट है जी। 94 में कंपनी ने मतलब किया था जी, कि मिनी ट्रैक्टर के ऊपर काम शुरू किया था। अभी तक 30 साल तक कंपनी खाली मिनी ट्रैक्टर पे ही पूरा फोकस करके जी किसानों के लिए 1530 HP तक की जो सीरीज है तो कंपनी अभी दे रही है। सर शुरुआत करते हैं हम, अपने यहाँ पर कितनी सीरीज के ट्रैक्टर हैं लगभग? अभी 3 सीरीज के ट्रैक्टर है यहाँ पे। 200 वो जो है ग्रीन वाला, ये सेम है वो? नहीं नहीं, वो जो ग्रीन वाला है ये थोड़ा सा आ जाइए। इम्प्लीमेंट में भी हम जो है 70 से ज्यादा इम्प्लीमेंट भी हम पूरे कैप्टन मैन्युफैक्चर करके ही देता है। तो इसमें अभी हम जो मॉडल देख रहे हैं ये 280DX है। अच्छा। 280DX यानी ये जो मॉडल है टू व्हील ड्राइव है। अच्छा। टू व्हील ड्राइव में 28 HP हम इसमें दे रहे हैं टू व्हील ड्राइव में। अच्छा। ये 28 HP का टू व्हील है जी। इसमें 1298 मतलब 1300 CC का जो है इंजन दिया हुआ है सिम्सन कंपनी का। अच्छा। सिम्सन कंपनी का इंजन दिया हुआ है। ट्रैक्टर की मेरी क्वालिटी क्या रहती है इसकी बताइए थोड़ा सा, बागवानी खेती में कैसा काम आता है, किसानों के क्या रिव्यू रहे हैं? बागवानी खेती में जो कस्टमर मतलब जो किसान की रिक्वायरमेंट टू व्हील ड्राइव की है उसको ये जो ट्रैक्टर है जी बढ़िया तरीके से काम करता है। ये इसमें पावर स्टीयरिंग भी हमने दिया हुआ है। अच्छा। पावर स्टीयरिंग का सिस्टम है, मतलब मिनी ट्रैक्टर के अंदर पावर स्टीयरिंग आपने भी दिया है। इसके साथ में हम अटैचमेंट कितनी कर सकते हैं, कौन सी अटैचमेंट आपने इसमें की हुई है? इसमें अभी हमने सीड ड्रिल की अटैचमेंट की है। अच्छा। सीड ड्रिल आपने की है? 9 times का सीड ड्रिल है। अच्छा। इसमें सभी तरह के बीज जो है जी हम बो सकते हैं। सर आपने सीट कैपेसिटी बहुत अच्छी दी, कितना वेट सीट कैपेसिटी झेल सकती है, मोटे आदमी भी क्या इसमें बैठ सकता है? 120 किलो तक बैठ सकते हैं इसमें। अच्छा। स्पेस भी अच्छा दिया है। स्पेस भी अच्छा दिया है। गियरों की बात करते हैं सर, गियर कितने दिए हैं इसके अंदर? गियर बॉक्स जो है इसका 8 forward और 2 reverse का दिया है। अच्छा अच्छा। हाँ, सिंक्रोमेश टाइप का गियर बॉक्स इसमें दिया है जो कि एकदम इजीली किसान इसको शिफ्ट कर सकता है। अच्छा। और इसका मेंटेनेंस भी है जो कंपैरेटिवली अदर्स जो ट्रैक्टर है इससे इसका कम आता है। जहाँ का सर जिसके बागवानी खेती होती है, गन्ना की खेती होती है, वहाँ के लिए मुझे लग गया ये वरदान सिद्ध होगा वाकई में। ये सिस्टम भी दिया गया सर, इसमें क्या मोड वगैरह दिए क्या दिया है? ये पूरा इलेक्ट्रिक का है। हाँ। आगे का लाइट जो है जी उसका है, हॉर्न है और इंडिकेटर है। अच्छा। बिल्कुल। पूरा डैशबोर्ड भी पूरा, यहाँ मोबाइल रख लो अपना, यहाँ पे चार्जिंग का पॉइंट भी दिया है, या मोबाइल रख लो अपना। बहुत जबरदस्त सिस्टम दिया सर आपने। इसमें आगे देखेंगे अगला तो इसका जो लाइट्स है ना प्रोजेक्टर। अच्छा, अच्छा। प्रोजेक्टर लाइट दिए हुए हैं इसमें। ये प्रोजेक्टर लाइट है सर, बहुत लंबी लाइट मारती है, बहुत लंबी लाइट मारती है। बिल्कुल बिल्कुल। इंडिकेटर और साइड में जो लैंप दिया है ये भी इसमें जबरदस्त दिया है, जबरदस्त दिया है। आगे सर मैं अगला ट्रैक्टर देख रहे हूँ आपका। ये अभी ये जो मॉडल है जी जी ये 280 और ये भी 280 है। मॉडल सेम है, इसमें ये खाली 4 wheel ड्राइव में आता है, ये 2 wheel ड्राइव में आता है। 2 wheel में और 4 wheel में। हाँ। 4 wheel में और 2 wheel में किसानों को क्या अंतर करना चाहिए जो है? अभी कुछ किसान ऐसे होते हैं जिनके यहाँ पे मतलब ज्यादा इसके काम नहीं होते, कुछ को पैडी में काम होता है। बिल्कुल। मतलब मराठी में उसको चिकलनी बोलते हैं, जिसमें चलाना होता है, उसमें धान के कद्दू करना, पंजाबी में कद्दू कहते हैं जो है। बिल्कुल। और गन्ने के अंदर चलाना है जी जी जी। तो इसमें क्या होता है? हाँ। इसकी जो विड्थ है ना 3 feet और 3.5 feet दो ऑप्शन में आती है। तो अभी किसान 4 feet की भी विड्थ हो उसकी। हाँ। गन्ने की हो, कपास की हो, तूर हो, लाइन की दूरी जो है, लाइन की दूरी जो है 4 feet भी होगी तो उसमें किसान ये ट्रैक्टर चला सकता है आराम के साथ। हाँ। केवल इसमें अंतर वही है कि ये वो 2 wheel है, ये 4 wheel है, बाकी इंजन गियर बॉक्स हाइड्रोलिक जो है। हाँ। इसका और उसका दोनों का सब सेम है। हाँ। इसको भी पावर स्टीयरिंग है। ये है अपना अगला 83 जो है। अभी ये जो मॉडल है 283 4 wheel ड्राइव LS। अच्छा। लायन सीरीज। अच्छा।
इसी ये जो अंदर हाँ ये जो है 27 HP में आता है हाँ, ये ट्रैक्टर हाँ, थ्री सिलेंडर में, इसमें जो है मिस्तुबिशी का इंजन दिया हुआ है। अच्छा हाँ, इसमें इंजन कौन सा सर? मिस्तुबिशी। ये कैसा इंजन होता है सर? थ्री सिलेंडर। अच्छा 1388 cc का, इसमें 28 HP का 27 HP का सर इंजन दिया हुआ है। सामने इसको प्रोजेक्टर लैंप है, ये ग्रिल दी है। हाँ, ये इसका लुक मतलब ऐसा ही ट्रैक्टर इंडस्ट्री में कोई नहीं दे रहा है। हाँ, इतना बढ़िया लुक हम इसमें दे रहे हैं। इसका जो पूरा बॉडी देखे हाँ, पूरा मेटल है, इसमें फाइबर कहीं पे भी यूज किया हुआ नहीं है। अच्छा अच्छा, अब बात करते हैं सर, ये थोड़ा दिखाइए जो है, ये जो मुझे लग रहा है ये जैसे कि किसान को इंजन की गर्मी थोड़ी हो जाए, यहाँ से बचा सकता है इंजन की गर्मी। ये जो पैनल है दोनों साइड से भी कंपनी ने दिए हुए, जो आगे का फैन हवा खींचता है ना, वो हवा इंजन से लग के गर्म होके वो पीछे ड्राइवर के पैर को ना लग जाए। जैसे कि इसमें गियर दिए हुआ है, वहाँ पर गियर जो है साइड में यहाँ नहीं दिया था, इसका गियर यहाँ दे रखा है सर। इसमें अंतर बहुत ज़्यादा दे दिया, इसमें ना हीटिंग के लिए बहुत मतलब कंपनी ने इसके ऊपर ध्यान से काम किया है जी। ये पैनल तो दिए है जी, सामने क्या आवन है, यहाँ पे भी रबर मैट दिए है हाँ, ज्यादा हीटिंग। बात करते हैं इसकी गियर है, इसका जो गियर बॉक्स है 9+ जी 3 का दिया है, मतलब 9 फॉरवर्ड और 3 रिवर्स। इसमें जो है हाई मीडियम यानी लो, तीन ऑप्शन कंपनी ने दिए हुए। अच्छा अच्छा, मतलब इसमें हाई में भी 3 गियर चलते हैं, मीडियम में 3 और लो में 3। अच्छा, और रिवर्स में हाई मीडियम और लो। अच्छा, इससे क्या होता है किसान को मतलब हर एक इम्प्लीमेंट पे बिल्कुल खेती की ये देख के जी वो चला सकता है। अच्छा, आराम के साथ स्पीड, उसमें स्पीड भी इसमें ज्यादा मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आगे कम काम में कम टाइम में ज्यादा काम भी होता है और डीजल की भी बचत होती है। अच्छा, अब प्राइस की बात कर लेते हैं सर, तीनों के प्राइस में कुछ यहाँ इस मेले के अंदर कुछ छूट चल रही है यहाँ पर जो? अभी इसमें तो बहुत बढ़िया ऑफर कंपनी ने रखी है, इसमें 5 से 78.99 में इसमें ट्रैक्टर और इसके साथ रोटावेटर जो है कंपनी में पूरा फ्री रखा है। रोटावेटर इस प्राइस में बिल्कुल बिल्कुल। इसके लिए किसान भाइयों को हम विनती करते हैं कि किसान में आके ना हमारे स्टॉल पे एक बार विजिट करके ना जी, जो ट्रैक्टर लेना चाहता है उन्होंने यहाँ पे बुकिंग करी तो आपको 60,000 कीमत का जो रोटावेटर है इस पे हम फ्री में दे रहे हैं। अच्छा, यहाँ जो बुकिंग कराता है तो फ्री मिल जाएगा, फ्री मिल जाएगा। अगला ट्रैक्टर जो एक कलर कॉम्बिनेशन अगला ट्रैक्टर साथ में जो है ब्लैक और व्हाइट, ये जो 200 DILS ये जो मॉडल है कंपनी ने अभी लॉन्च किया है। अच्छा, अभी लॉन्च किया है ये? कब कितने दिन पहले लॉन्च हुआ सर ये? मतलब उसको 1 साल होगा अभी। हाँ, एक साल पूरा होगा कंपनी ने लॉन्च किया है जी। पहले भी इसमें मॉडल आता था हाँ, बट वो सेंटर शिफ्ट में आता था। ये कुछ अलग अलग लॉन्च किया हाँ, ये अलग लॉन्च किया है जी। ये 20 HP का मॉडल आता है। अच्छा, 20 HP हाँ, और इसमें 2 व्हील 4 व्हील दोनों ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है। इसमें जो इंजन है ये कंपनी का खुद का कंपनी का मैन्युफैक्चर किया, कैप्टन का ही इंजन इसमें, कैप्टन का ही इसके अंदर इंजन लगाया है। बिल्कुल। अब सर क्वालिटी की बात कर रहे थे इसमें, जैसे 20 HP का है ये, तो रोटावेटर इसमें कितना बड़ा लगेगा इसके अंदर? 20 ब्लेड का 24 ब्लेड का रोटावेटर चलेगा। इसमें कितने गियर दिए गए सर? इसमें भी 9 फॉरवर्ड 3 रिवर्स गियर दिए हुए हैं, मीडियम हाई लो मीडियम हाई। 20 HP में ये क्वालिटी गियर बॉक्स में अभी तक किसने नहीं दी। हाइड्रोलिक हाइट मतलब क्वालिटी कितनी रहती है इसकी? जो हाइड्रोलिक जो है इसका 750 किलोग्राम लिफ्टिंग कैपेसिटी है। लिफ्टिंग कैपेसिटी इसकी जो है, और ADDC का हाइड्रोलिक है, ऑटोमेटिक डेप्थ एंड ड्रॉप कंट्रोल। PTO जो है इसका, PTO 540 और 1000 RPM का हमने दिया हुआ है। अच्छा अच्छा अच्छा, जो कि कुछ किसान को रोटावेटर पे चलाना तो 540 पे चलाएगा, जिसको ब्लोअर है आर्मेचर है थ्रेशर है इस पे चलाना है तो 1000 RPM पे भी चला सकता है। ये जो इसमें अटैचमेंट दी है तो सर अटैचमेंट कितनी आप में साथ में ये लगभग दे देते जो है ये लेना चाहे, कितने प्रकार के अटैचमेंट बनाते हैं कैप्टन कंपनी? कैप्टन कंपनी तो 70 से भी ज्यादा 70 से भी ऊपर इंप्लीमेंट बनाती है जी। अभी ये जो कल्टीवेटर है ये 7 टाइम्स का कल्टीवेटर है। अच्छा, 7 टाइम्स का एडजस्टेबल का है, मतलब ये है कि किसान ने ट्रैक्टर ले लिया आपसे तो अटैचमेंट की भी ना कोई जो नहीं है, आपसे ले सकता है अटैचमेंट, वो कैप्टन से ही ले सकता है। इस मार्केट में आप पूरी कंपनियां ढूंढोगे ना तो इतनी ज्यादा इंप्लीमेंट्स देने वाली कंपनी मार्केट में नहीं है। अच्छा, हमारी जो कैप्टन कंपनी है हाँ, वो बिलो 30 HP में 50 से ज्यादा इंप्लीमेंट ट्रैक्टर जो है वेरियंट्स कंपनी ने बनाए। अच्छा, जैसा किसान हो जिसकी जितनी कैपेसिटी हो जितनी खेती हो जी इसके हिसाब से वो ट्रैक्टर ले सकता है। ऐसा नहीं है कि किसान को 24 HP की जरूरत है और उस
उसको हम 8-8 HP दे रहे हैं, ऐसा नहीं। किसान जहाँ किसान को जहाँ जरूरत है, आप रिक्वायरमेंट समझते हैं किसान की, वहाँ उस किसान को जो है वही ट्रैक्टर उपलब्ध कराते हैं। अगले ट्रैक्टर की तरफ बढ़ते हैं सर, ये जो मॉडल है, जो हमने पहले ट्रैक्टर उधर देखा, टू व्हील वाला, जी जी, 280, ये भी 280 LS है, जी जी, इसमें फोर व्हील में ये ट्रैक्टर दिए हुआ है, ब्लैक कलर में कंपनी ने अभी जी लास्ट एग्जीबिशन जो हुआ नासिक में जी, वहाँ पे ये ट्रैक्टर लॉन्च किया है। अच्छा, इसमें भी सिम्सन कंपनी का इंजन लगा हुआ है, 28 HP का पावर स्टीयरिंग है, गियरबॉक्स 9+3 का है। अच्छा, और इसमें साइड शिफ्ट दिया है। इसके पहले ये जो ट्रैक्टर आता था वो रेड कलर में मिडल गियर आता था जी। अभी किसानों की रिक्वायरमेंट ध्यान में रखते हुए कंपनी ने ये साइड शिफ्ट में भी लॉन्च किया है। अच्छा, इसमें PTO डबल दिया है, 540 और 540 इकोनॉमी। अच्छा, ADDC हाइड्रोलिक भी इसमें दिया है जी। नीचे रबर मैट दिया है, डिफरेंशियल लॉक भी इसमें कंपनी ने दिया हुआ है। इसमें जो अटैचमेंट देखो किसान भाई, अलग है कैप्टन कंपनी, बिल्कुल अलग अपनी, हर ट्रैक्टर पे अटैचमेंट बिल्कुल अलग है। ये अटैचमेंट क्या है सर? ये अभी ये छोटा पुलाव है क्या? क्या है? रिवर्सिबल पुलाव है। हाँ, रिवर्सिबल पुलाव है। क्या खासियत है? 10 इंच का ये रिवर्सिबल पुलाव है। ये चलाएगा ट्रैक्टर? ये एकदम इजी चलाएगा, दौड़ेगा। हाँ, दौड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा सा बताइए इसके बारे में सर, कैसे कैसे है ये? इसका जो है पूरा 170 किलो वेट है, एकदम हीवी है। अच्छा, हाँ, लोकल का नहीं इसका, और टेस्ट रिपोर्ट भी कंपनी के पास अवेलेबल है। इस पर किसान सब्सिडी भी ले सकता है, इस पर सब्सिडी ले सकता है, ट्रैक्टर के भी ऊपर ले सकता है, और ट्रैक्टर के ऊपर भी सब्सिडी मिल जाएगा सर? मिल जाए। ये तो बहुत अच्छी बात है भाई। आपने कितने परसेंट का ले रहा सब्सिडी? सब्सिडी अभी यहाँ पे जो चल रहा है वो 1.25 लाख रुपये तो मिलता है, कम 1.25 लाख सब्सिडी मिल जाता है। इसके लिए जो टेस्ट रिपोर्ट लगता है जी, वो हमारे जितने भी यहाँ पे मॉडल रखे हुए हैं सभी का टेस्ट रिपोर्ट हमारे पास अभी अवेलेबल है। अच्छा अच्छा, अभी किसान कुछ किसान का इस मंथ में भी ड्रॉ में नाम आया होगा जी, तो उसको भी हम दे सकते हैं। बिल्कुल, तो ये सर इस ट्रैक्टर के बारे में बात करते हैं, ये ट्रैक्टर जो है कितने HP का है? ये जो मॉडल है 283 LS, अच्छा, ब्लैक कलर में जी, ये 28 HP में हम 3 सिलेंडर में दे रहे हैं, मित्सुबिशी के इंजन जो है इसमें दिया हुआ है। बिल्कुल, और इसका जो लुक है एकदम स्पोर्टी लुक कंपनी ने इसमें दिया हुआ है, प्रोजेक्टर हेडलैम्प है, LED इंडिकेटर्स है। ये सर ये लुक बहुत ही शानदार गजब का लग रहा है। ये जो ग्रिल ये है ना, ग्रिल ये आपने फोर व्हीलर में देखी होगी, ट्रैक्टर में कहीं भी नहीं देखी होगी, फोर व्हीलर में देखी है। हाँ, हम ट्रैक्टर में भी किसान के लिए दे रहे हैं। बिल्कुल, ये सर कैप्टन कंपनी जो है जबरदस्त आपका, बहुत अच्छा लगा मुझे। रोटावेटर के बारे में बात कर लेते हैं सर, रोटावेटर कितना बड़ा है इसके अंदर? इसका ये जो रोटावेटर है अभी ये 3.5 फीट का है, 1 मीटर का। अच्छा अच्छा, हाँ। कितने RPM रहते हैं इसके जो है ट्रैक्टर की इसमें जो है? और 540 RPM रहता है। अच्छा अच्छा, 540। हाइड्रोलिक वगैरह कितनी रहती है ट्रैक्टर की इसकी जो है, इसके साथ में? इसकी भी 750 किलोग्राम लिफ्टिंग कैपेसिटी रहती है। हाँ, और इसमें जो ब्लेड है वो 3.5 फीट में हमने 30 ब्लेड दिए हुए। अच्छा, जो कि मार्केट में 3.5 फीट में 24 ब्लेड ही मिलते हैं, उसमें हमने 30 ब्लेड दिए हुए जी। अच्छा, अब सर बात करते हैं, जैसे कि अपना ये अगला ट्रैक्टर देख रहे हैं, इसके ट्रैक्टर के बारे में बताइए। ये अलग ट्रैक्टर है, वो ये जो ट्रैक्टर है ना, इसमें पावर स्टीयरिंग भी देखी जाए ना। अच्छा अच्छा, क्या बोल रहे थे सर, क्या बता रहे थे? पावर स्टीयरिंग जो है ना, हाइड्रोस्टैटिक टाइप की पावर स्टीयरिंग दी है, सिलेंडर दिया हुआ है। अच्छा, सिलेंडर दिया हुआ है, ये तो बड़े ट्रैक्टर में होता है सर, ये तो बड़े दिया गया है। किसान भाई, हो कैप्टन कंपनी का जो बड़े ट्रैक्टरों के अंदर जो आता है ना, वही इसके अंदर जो आपको इस ट्रैक्टर के अंदर मिल जाएगा। कैप्टन कंपनी जो है बहुत ही शानदार, राजकोट की कंपनी है सर अपनी? हाँ, राजकोट गुजरात। राजकोट गुजरात की कंपनी है। मिनी ट्रैक्टर की जो खेती करना चाहते हैं, बागवानी खेती करते हैं, चाहे अंगूर की खेती करते हैं, आप चाहे जो है स्ट्रॉबेरी की खेती कर रहे हैं, तो आप स्प्रे के लिए ऐसे लेना चाहते हैं तो बहुत ही शानदार रहेगा। और जो है जैसे कि आप बात करते हैं बागवानी खेती, गन्ना की खेती चाहे महाराष्ट्र में होती है चाहे UP के अंदर होती है, तो उसके लिए स्प्रे करना बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि जहाँ पर क्या हमारी लेंथ जो होती है गन्ने की या हमारी फसल की लेंथ होती है, बड़ा ट्रैक्टर ले जाओगे तो आपको नुकसान होगा, छोटे ट्रैक्टर को आप कहीं से कहीं पर भी ले जाओ कोई नुकसान होने वाला नहीं है। तो सर आगे बात करते हैं, ये चलेगा भी 5 फीट की भी ये होगी, विड्थ होगी, कोई भी इसमें गन्ना हो, कपासी हो, तूर हो, तो उसमें भी ये ट्रैक्टर चल सकता है। इसमें अच्छा। एक बढ़िया बात दी है जी, जो पावर स्टीयरिंग है उसको जो ऑयल है ना जी, वो हम गियर बॉक्स से ही उसको कनेक्शन दिया है। अच्छा, हाँ, इसमें अलग बाकी ट्रैक्टरों में क्या होता है, पावर स्टीयरिंग को अलग के लिए अलग सा डब्बा दिया होता है 2 लीटर का, इसमें वो नहीं है। अच्छा, बिल्कुल, इसमें खाली गियर बॉक्स ही, इसमें गियर बॉक्स हाइड्रोलिक और पावर स्टीयरिंग का एक ही ऑयल है 20 लीटर जी जी। इससे किसान को क्या होता है, मेंटेनेंस भी कम आता है, खर्चा कम आता है।
अच्छा सर, रोड स्पीड की बात करते हैं अपने ट्रैक्टरों की जो है, रोड स्पीड मान के चलो किसी कारणवश हमने अपनी छोटी ट्रॉली जोड़कर हम रोड पर जा रहे हैं, तो रोड स्पीड क्या रहेगी इस ट्रैक्टर की जो है? मैं आपको बताता हूँ, ये जो ट्रैक्टर है ना, मार्केट में एक भी ट्रैक्टर नहीं है इसके इतना दौड़ने वाला। दावा है आपका? दावा है हमारा, हम चैलेंज देते हैं और डेमो भी देते हैं। अच्छा, किसान को चाहिए तो हम डेमो भी दे सकते हैं। इसको फॉरवर्ड की 27 की पीड़ है, 27 की। अच्छा अच्छा, डीजल सेवर के बारे में बात कर लेते हैं। क्या आपकी जो है कैप्टन कंपनी डीजल के मामले में, क्योंकि दिन रात डीजल के दाम बढ़ जाते हैं, भारत के अंदर होता है कि रात हो गई, रात के 12 बजे डीजल के दाम तेज हो गए, तो क्या डीजल के सेवर के मामले में किस कंपनी ने कुछ किया है? 100% डीजल कितना लेता है? 100% कंपनी ने इसके ऊपर बहुत काम किया है जी। आज आप ये ट्रैक्टर 28 HP का है, और मार्केट में कोई भी कंपनी का 28 HP का ट्रैक्टर लेके आओ जी, उससे हमारा ट्रैक्टर आधा लीटर डीजल कम लेता है पर आवर। अच्छा अच्छा, टायरों के जैसे पूरे ट्रैक्टरों में आप जो है टायर कौन कौन से उसके लगाते हैं, कितने इंच के टायर ये होते हैं? ये अभी 3.5 फीट विड्थ का ट्रैक्टर है, इसमें 8-3-20 का टायर लगा हुआ है। अच्छा, यही ट्रैक्टर सेम मॉडल हम 3 फीट में लेंगे तो उसको उसमें 8-8 का टायर लगा हुआ है जी जी। किसानों के लिए ये बोतल वाला सिस्टम है ना सर? ये टूल बॉक्स वाला है। अच्छा, टूल बॉक्स वाला है, टूल बॉक्स के लिए भी किसान भाई आपने ये जो है देखा नहीं होगा, मुझे लग रहा है बोतल वाला सिस्टम है, बिल्कुल टूल बॉक्स के लिए यहाँ से टूल डालो, ये बिल्कुल बंद कर दो, टूलों की खोने की समस्या नहीं है। एक एक चीज को आपको जबरदस्त तरीके से रखा है, इधर पानी की बोतल को आप रखने का सिस्टम कर सकते हैं जो है। अब सर बात करते हैं अभी इसका, एक बार हम स्टार्ट करते हैं ना, हाँ, इसको वाइब्रेशन देखते हैं, आवाज देखते हैं कैसा है। वाह, इसका जो वाइब्रेशन और आवाज है एकदम कार जैसा है, वाइब्रेशन बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल जैसे कि हमारी कार की आवाज होती है ना, बिल्कुल वैसे ही कार की आवाज है कितना भाई हो, ये जबरदस्त बिल्कुल, मुझे इसकी आवाज एकदम जो हमारी गाड़ी वाली होती है भाई, वही आवाज इसके बारे में बताइए। ये जो मॉडल है जी जी, ये 223 है जी, हमने अभी तक 283 देखा, 280 देखा, ये उसमें से थोड़ा अलग मॉडल है, ये 223 है जी। ये जो हमें 22 HP में अभी किसानों के लिए 28 देखा, 27 हाँ, देखा हाँ, अभी ये 22 है, 22 है, 22 है। तो छोटे से लेकर बड़े तक मैंने बोला ना सर, हमने बिलो 30 HP हम 50 से भी ज्यादा मॉडल्स वेरिएंट्स बनाए हैं। 50 आपके पास हैं? हाँ। अच्छा अच्छा, और ये मॉडल में भी देखा जाए ना जी, तो इसमें भी हमारे पास 4 वेरिएंट्स है। अच्छा अच्छा, इसके स्पेसिफिकेशन के बारे में बताइए, इसके क्या है? अभी ये जो ट्रैक्टर है 22 HP में है जी, 223 बोल के ये मॉडल आता है जी। 22 HP में हम है ना पावर स्टीयरिंग जो है वो हाइड्रोस्टेटिक वाला पावर स्टीयरिंग दे रहे हैं जी। इसमें भी हमने मिट्सुबिशी का इंजन दिया हुआ है, बिल्कुल हाइड्रोस्टेटिक पावर स्टीयरिंग है, साइड शिफ्ट गियर है जी, 9+3 का गियर बॉक्स है जी, और पीटीओ 540 और 1000 का है जी। 22 HP में इतने सारे फीचर्स देने वाली कैप्टन है अकेली कंपनी। बिल्कुल बिल्कुल, आवाज तो सर मैंने भी इसकी देखी, इसकी आवाज सुनाएंगे, इसके भी सुनाएंगे ना सर। देखो आपने क्या देखा होगा कि आप कह रहे होंगे कि एक ही आवाज आपने सुना दी, इसकी ट्रैक्टर की आवाज क्या सामना रहा है, इसका भी वाइब्रेशन बिल्कुल नहीं है, गाड़ी वाली आवाज है, फोर व्हीलर वाली वही आवाज, वही आवाज, वही आवाज बिल्कुल हो गया था बाकी। ये लाइटों का डिजाइन आपको बड़े बड़े ट्रैक्टरों में, बड़ी बड़ी कंपनियों के अंदर मिलेगा। यहाँ पर आपको कैप्टन कंपनी जो भारत की स्वदेशी कंपनी है, राजकोट का बना हुआ ट्रैक्टर है ये, भारत के अंदर इतने इतने भारतीय जो है देश दिमाग वाले हैं कि एक से एक बेहतरीन ट्रैक्टर तैयार कर रहे हैं वो। मेरा कैप्टन कंपनी को सलाम है वाकई में कि भारत के अंदर रहते हुए वो जो है इतना अच्छा शानदार ट्रैक्टर तैयार कर रहे हैं। सर बंद कर दीजिए थोड़ा सा, इसी वीडियो के अंदर मैंने आपको कैप्टन कंपनी के जो है ट्रैक्टर दिखाए, पूरी सीरीज मैंने आपको किसान पुणे मेले से मैंने आपको दिखाई। यहाँ पर एक से बढ़िया 20 HP से 28 HP तक आपको कैटेगरी के ट्रैक्टर आपको यहाँ मिल जाएंगे। शानदार ट्रैक्टरों की सीरीज कैप्टन कंपनी रखी हुई है, इसके साथ साथ लगभग 70 तरह के इम्प्लीमेंट्स भी इनके पास इनके मिल जाते हैं। तो दोस्तों कैसी रही आज की वीडियो, कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।